हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने जो मेरी पहली वीडियो देखी होगी खाना बनाते हो, तो फ्रेंड्स आज भी मैं चूल्हे पर ही बनाऊंगी। और आज बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं करेले। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी जो रेसिपी है पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने पहले भी अपना काफ़ी रिस्पॉन्स दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मैं है करेले की सब्जी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने करेलों को बारीक बारीक काट लिया है, और जो करेलों के बीज थे पके हुए वो मैंने निकाल दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर कुछ प्याज लिए हैं, तीन से चार प्याज ले लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं। और फ्रेंड्स, जो आम कच्चा आम है वो मैं आप डाल भी सकते हो नहीं भी, क्योंकि आज मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी उस तरीके से आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। हमने चूल्हे पर आँच जलाकर ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स ऑयल है जो गरम हो चुका है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो करेलों को फ्राई करके बना सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा इनको फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जो है फिर ऑयल ज़्यादा वो होता है, तो ऑयल ज़्यादा नहीं खाते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसमें मेथी डालूँगी। जो मेथी है, मेथी में ही करेलों को छोका जाता है, जीरे वगैरह या अजवाइन में नहीं छोका जाता। अपनी अपनी पसंद है, कोई इसको सौंफ और जो धनिया पाउडर होता है, आप हल्का सा दरदरा धनिए को कूट लीजिए कुनी सोटे में, और थोड़ी सी जो सौंफ है वो भी डाल के आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं करेले को हमेशा ही जो ये होती है मेथी, इसमें ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आई एम स्टार्टिंग। फ्रेंड्स जो हमारा ऑयल है काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं मेथी बाद में डालूँगी, नहीं तो वो जल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स पहले हम प्याज डाल लेते हैं, क्योंकि जो प्याज है अच्छा खासा ऑयल गर्म था, तो प्याज इतने थोड़े से वो हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम मेथी डालेंगे ना तो वो एकदम काली सी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, क्योंकि आग है जो अच्छी खासी जली हुई थी तेज, तो इसलिए मैं पहले प्याज डालती हूँ और उसके बाद अब मैं मेथी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, देखती ताकि वो ना हो जले ना। तो अब हम प्याज को है फ्राई करेंगे अच्छी तरह, उनका कलर चेंज होने के लिए। फ्रेंड्स जो हमारे प्याज है वो अच्छी तरह सुनहरी हो चुके हैं, देखिए। और आग भी हमारी जो आग है चूल्हे की वो अच्छी खासी जल रही है। फ्रेंड्स अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि जो देखिए प्याज सुनहरी हो चुके हैं और ज़्यादा काले नहीं करने हमको प्याज। फ्रेंड्स ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, और अब हम इसको चला देंगे। और फ्रेंड्स अभी हम साथ के साथ इसमें नमक भी डालेंगे ज़रूरत के अनुसार। और हम टमाटर को अच्छी तरह ही इसमें नमक में वो कर देंगे, ताकि नमक से टमाटर जल्दी गल जाए। फ्रेंड्स जो हमारे टमाटर है, देखिए अच्छी तरह नमक में हमको पका दिया। अब हम थोड़े मसाले डाल लेते हैं। मसाले में हम क्या क्या डालेंगे, हम ज़्यादा कुछ मसाले डालते नहीं हैं, क्योंकि मसाले अच्छे नहीं रहते, कभी कभी डालते हैं मसाले। तो डेली रूटीन के जो मसाले होते हैं आपको पता है, हल्दी पाउडर ज़रूरत के अनुसार इतना काफ़ी है, थोड़ी सी लाल मिर्च इतनी काफ़ी है। और फ्रेंड्स इसके बावजूद मैं कुछ भी नहीं डालती अपने मसालों में बिल्कुल भी। देखिए अब ये पक चुके हैं अच्छी तरह, और इनको मैं हाथ से अपनी ऐसी कर देती हूँ थोड़ा प्रेस, ताकि और अच्छी तरह ही प्यूरी सी बन जाए। ज़्यादा प्यूरी तो नहीं बनेगी फ्रेंड्स, लेकिन ये है कि टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे। हल्का सा पानी डाल लेंगे ताकि ये पक जाए। और फ्रेंड्स अब हमारे टमाटर अच्छी तरह हो गए हैं, देखिए पानी ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें करेले डाल देंगे, जो हमने करेले काट कर रखे हुए थे। फ्रेंड्स हमने करेलों का साइज जो ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम ही काटे ताकि वो जल्दी पक जाए। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए अभी से कलर इतना अच्छा आ रहा है, तो बाद में कितना अच्छा कलर आएगा सब्जी में, और खाने में तो कितनी टेस्ट लगेगी। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम सब्जी अगर चूल्हे वगैरह पे बनाते हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है, क्योंकि चूल्हे का एक अपना ही अलग टेस्ट है, चाहे वो रोटी का हो चाहे सब्जी का। गैस पर आपको पता है गैस की रोटियाँ सभी खाते हैं, मेरे घर में भी खा लेते हैं,
लेकिन चूल्हे का जो मज़ा है वो कहीं और दूसरी चीज़ पर बनाने में नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसको ढक देते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारे करेले हैं जो हो चुके हैं, मैंने इनको बीच बीच में एक दो बार चला दिया था और हल्का सा पानी भी डाल दिया था क्योंकि नहीं तो बिना पानी के लग जाते। देखें फ्रेंड्स हो चुके हैं अब ये, अब हम इनको चूल्हे से उतार देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने सब्जी को चूल्हे से उतार दिया और मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी कैसी बनी है करेले की। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं अभी शाम का टाइम है, मैं शाम को ये सब्जी बना रही हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स करेले कितने अच्छे बने हैं। अभी थोड़ा कलर आपको वैसा दिखाई दे रहा होगा लेकिन फ्रेंड्स करेले बहुत अच्छे पके हैं और मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा रखा था क्योंकि करेले के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना ही अच्छा रहता है क्योंकि ताकि वो अच्छी तरह पक जाए। अगर हम कम तेल बनाएंगे कम तेल में तो फिर वो अच्छी तरह ही ना ही कलर आएगा उसमें ना ही टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये शाम का समय हो रहा है, मैं आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स ये शाम का समय हो चुका है, मैंने शाम का ही खाना बनाया है और देखिए आप मौसम कैसा हो रखा है। थोड़ा मौसम ख़राब भी है लेकिन हवाएं नहीं चली हुई, देखिए हर चारों तरफ लाइटें जली हुई है, शाम का मौसम है। देखिए देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, मैंने आपको पहले बता दिया। और अब मम्मी बनाएगी खाना, रोटियां सेकेगी चूल्हे पर ही, देखिए। और मैंने सब्जी बना ही दी है। तो फ्रेंड्स आइए हम इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे।